हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल काकूटेक। और आज हम आपके लिए लेके आए गए हैं वीवो वी नाइनटीन की एक और वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे इसके कैमरा के बारे में और रिव्यू देंगे इसका कुछ शॉट्स के द्वारा कि इसका कैमरा कैसा है, दिन में परफॉर्मेंस कैसी है, रात में कैसी है, फ्रंट कैमरा कैसा है, बैक कैमरा कैसा है। फ्रेंड सारा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स हैं, वीवो वी नाइनटीन हमारे पास ओरिजिनल नहीं है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव वीडियो में, ये वीवो का वी नाइनटीन ही है। मैं आगे से भी आपको दिखा देता हूँ इसका लॉक खोल के। वीवो वी नाइनटीन ही है फ्रेंड्स, ये कोई वी सेवनटीन ओल्ड मॉडल वी सेवनटीन प्रो नहीं है। तो पहले हम कैमरा की स्पेसिफिकेशंस आपको बता देते हैं। इसमें दिया गया है 32 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि एक वाइड एंगल लेंस के साथ आता है फ्रेंड्स। और बैक कैमरे की बात करें, इसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और एक सेकेंडरी कैमरा वाइड एंगल के लिए दिया गया है 8 मेगापिक्सल का। 2 मेगापिक्सल का बोके इफेक्ट के लिए कैमरा दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है, जो कि 4 सेंटीमीटर तक के शॉट देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम आपको इसके फोटोज़ और वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके आगे हमने जो भी शॉट्स लिए हैं वो कंप्यूटर में ही सेव हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो गाइज, आ गए हैं हम अपने सिस्टम में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अलग से फोल्डर बनाया हुआ है कैमरा वी नाइनटीन के नाम से। इसमें सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस हमने जो भी ली गई हैं वो वीवो वी नाइनटीन के साथ हैं। और हर वीडियो में हमने वाटरमार्क और फोटो में वाटरमार्क लगाया है, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये वीवो वी नाइनटीन की ही फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट फ़ोटो से। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी क्लियर फ़ोटो है ये। ये फ़ोटो ली गई है फ्रेंड्स वीवो वी नाइनटीन के 48 मेगापिक्सल मोड में। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। सारे की सारी फ़ोटोज़ हमारी शाम को ली गई हैं फ्रेंड्स। अगली फ़ोटो में आ जाते हैं फ्रेंड्स। अगली फ़ोटो में देख सकते हैं डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, ये भी 48 मेगापिक्सल की ही फ़ोटो है। फ़ोटो देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितने अच्छे एक्यूरेट कलर हैं फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स एक सीन ऑप्टिमाइज़र का ऑप्शन था, जिससे हमने ये फ़ोटो ली थी। ये सीन को ऑप्टिमाइज़ करके उसी हिसाब से कलर्स को एक्यूरेट कर देता है। हमारी थर्ड फ़ोटो भी 48 एमबी की ही फ़ोटो है। अगली फ़ोटो पे आ जाते हैं। ये नॉर्मल फ़ोटो है फ्रेंड्स। इस फ़ोटो में हम आपको जूम करके दिखाएंगे इसके अलग अलग जूम लेवल्स पे। ये हमारी नॉर्मल फ़ोटो है। ये सेकंड फ़ोटो 2x जूम के साथ है फ्रेंड्स। थर्ड फ़ोटो ये 5x जूम के साथ है, जो कि फ्रेंड्स हम इसको ज़्यादा अच्छा तो नहीं बट ज़्यादा ख़राब भी नहीं, एक अच्छा फ़ोटो बोलेंगे। बाकी पिक्सल फटने स्टार्ट हो रहे हैं 5x जूम पे। ये 10x की फ़ोटो है, जिसमें सारे पिक्सल बिल्कुल फट चुके हैं, कोई अच्छी क्लैरिटी हमें देखने को नहीं मिली है। बट नॉर्मल फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं फ्रेंड 2x जूम तक। ये हमारी वाइड एंगल के साथ फ़ोटो है, जिसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेलिंग और काफ़ी सारा एरिया इसने कैप्चर किया है इस फ़ोटो में। कलर्स में नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे कलर्स हैं और सेचुरेशन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये हमारी नॉर्मल फ़ोटो है, यही फ़ोटो 2x जूम के साथ देख सकते हैं आप। ये हमारी 5x जूम में वही फ़ोटो सेम है फ्रेंड्स। ये हमारी 10x जूम के साथ फ़ोटो है। आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट फ़ोटो पे। ये वाइड एंगल फ़ोटो है फ्रेंड्स। ये वही वाइड एंगल की नॉर्मल मोड में फ़ोटो ली गई है। ये वही फ़ोटो 2x जूम के साथ है, ये 5x जूम के साथ है। इस फ़ोटो में पिछली फ़ोटो से अच्छे रिजल्ट्स हैं फ्रेंड्स। उतने ज़्यादा पिक्सल नहीं फट रहे हैं उस फ़ोटो के कंपेयर में, बट जब हम इसको 10x जूम पे लेके जाते हैं तो बस हमें इतना पता होता है कि ऑब्जेक्ट में क्या है, उससे ज़्यादा हम कोई अच्छे इसमें आउटपुट नहीं मिलते हैं हमें। जैसा कि हमने पहले भी प्रीवियस एक फ़ोन लॉन्च हुआ था ओप्पो का रेनो 10x जूम, उसमें जूम लेवल काफ़ी अच्छे थे। बट इसकी बात करें, इसमें नॉर्मल हम कहेंगे इसको, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। ये हमारी फ़ोटो वही हम जूम करके दिखाएंगे इस फ़ोटो में भी। ये हमारी नॉर्मल फ़ोटो है, ये 2x जूम के साथ है, ये 5x और ये 10x जूम के साथ है। ये हमारी वही फ़ोटो फ्रेंड्स वाइड एंगल के साथ है, जिसमें काफ़ी ये थोड़ा सा एरिया इसमें बढ़ जाता है। ये फ़ोटो भी हम वही जूम के साथ दिखाएंगे आपको, 2x जूम, 5x, ये 10x जूम के साथ है। ये भी फ़ोटो फ्रेंड्स, ये ओपन फ़ोटो है, देखते हैं इसमें भी जूम लेवल्स करके। ये फ़ोटो पहली फ़ोटो से काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, कलर और क्वालिटी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है।
ये अब कुछ नाइट्स फ़ोटो हैं जो नाइट मोड ऑन करके और विदाउट नाइट मोड के हमें लिए गए हैं। ये पहली फ़ोटो विदाउट नाइट मोड की है, यही फ़ोटो अब हम नाइट मोड ऑन करके दिखाते हैं आपको। नाइट मोड करने के बाद थोड़ी सी लाइटिंग हमें ज़्यादा दिख रही है। अब ये फ़ोटो भी नाइट मोड के साथ है। अब इसका विदाउट नाइट मोड वाला फ़ोटो हम दिखाते हैं, ये विदाउट नाइट मोड के है और ये नाइट मोड के साथ है। नाइट मोड ऑन करने के बाद कुछ ऑब्जेक्ट हमें ज़्यादा दिखते हैं और एक्यूरेटली दिखते हैं। अब आ जाते हैं हम, यही फ़ोटो एक और है जिसमें हमने नाइट मोड ऑन किया हुआ है। जैसा कि आप लेफ़्ट हैंड साइड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसमें क्लैरिटी देखने को मिल रही है। और वही फ़ोटो विदाउट नाइट मोड के देख सकते हैं आप, उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर मैं इसको पिछले वाली फ़ोटो से कंपेयर करते हैं, काफ़ी अच्छी फ़ोटो है। अब हमारी ये फ़ोटो आती है नॉर्मल मोड में, ये ट्रॉफी है। यही फ़ोटो हमारी पोर्ट्रेट में देख सकते हैं आप, कितनी अच्छा पोर्ट्रेट इसमें इसने क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट को कितने अच्छे से इसने डिटेलिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, आप देख सकते हैं। कलर भी काफ़ी अच्छे हैं, बट जब आप इसको नॉर्मल मोड में देखते हैं तो सारा क्लियर दिख रहा है इसमें। नॉर्मल मोड में भी फ्रेंड्स थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट इफेक्ट क्रिएट कर रखा है इसने, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ। अगली फ़ोटो, यही फ़ोटो वाइड एंगल के साथ ली गई है, देख सकते हैं वाइड एंगल में और ये नॉर्मल में कितना फ़र्क है फ्रेंड्स। ये फ़ोटो हमारी पोर्ट्रेट इफेक्ट के साथ ली गई है और ये यही फ़ोटो वाइड एंगल के साथ ली गई है। ये फ़ोटो फ्रेंड्स पोर्ट्रेट के साथ है, यही फ़ोटो वाइड एंगल के साथ आप देख सकते हैं। ये फ्रंट कैमरा की नॉर्मल फ़ोटो है जो आप देख रहे हैं और यही फ़ोटो आप पोर्ट्रेट इफेक्ट के साथ है। ये बैक पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं कितना शानदार और कलर कितने शार्प हैं फ्रेंड्स। इस फ़ोटो में रेड कलर को आप देख सकते हैं कितना शार्प दिखाया गया है और ऑब्जेक्ट भी काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं। ये भी फ़ोटो पोर्ट्रेट इफेक्ट के साथ ली गई है फ्रेंड्स, ये सेम फ़ोटो पोर्ट्रेट इफेक्ट के साथ है। ये भी एक और फ़ोटो है फ्रेंड्स जिसमें देख सकते हैं डिटेलिंग कितनी एक्यूरेट है और पोर्ट्रेट कितना अच्छा दिखाया गया है। ये नॉर्मल फ़ोटो है बैक कैमरा की, ये भी बैक कैमरा की नॉर्मल फ़ोटो है। ये भी कुछ शॉट्स नॉर्मली लिए गए हैं फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप देख सकते हैं कितने एक्यूरेट और कितने अच्छे कलर इसमें दिखाए गए हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसा कि आप फ्रेंड्स। और अब कुछ हम वीडियो शॉट्स दिखाएंगे। ये इसके बैक कैमरा का मोनो इफेक्ट में एक वीडियो है जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कलर दिखते हैं और बाकी बैकग्राउंड हमारा ब्लैक एंड वाइट रहता है। हम इसको वीडियो को प्ले करते हैं, देखिए फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें उसमें कलर होते हैं और बाकी बैकग्राउंड जो हमें देखने को मिलता है ब्लैक एंड वाइट होता है। इसमें भी काफ़ी एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है। अगली जो वीडियो है ये है बैक कैमरा से अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, जिसमें कैमरा में जितना भी हम मूवमेंट करके वीडियो लेते हैं वो काफ़ी स्टेबल हमें देखने को मिलता है। चलो फ्रेंड्स प्ले करते हैं वीडियो को। इसमें कैमरा हमने बहुत ज़्यादा फास्ट हिला के दिखाया है, फिर भी देख सकते हैं कितनी स्टेबल और कितनी एक्यूरेट वीडियो है। ये आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा, देख सकते हैं कितनी एक्यूरेट वीडियो थी फ्रेंड्स ये। अगली है फ्रेंड्स फ्रंट कैमरा विद मोनो इफेक्ट। मोनो इफेक्ट हमने पिछली वीडियो में भी देखा है और अब हम देखते हैं इस वीडियो में मोनो इफेक्ट फ्रंट कैमरा में कैसा रिजल्ट देता है। पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है और ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कलर कितने अच्छे से ये प्रोड्यूस कर रहा है और कितने एक्यूरेटली ये हमें कलरफुल वीडियो दे रहा है। अगली वीडियो की बात करें, ये है फ्रंट कैमरा की पोर्ट्रेट वीडियो। फ्रेंड्स इसमें पोर्ट्रेट इफेक्ट पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, देख सकते हैं जो वीडियो में ऑब्जेक्ट के अलावा आप कंटेंट देखिए कितना एक्यूरेट पोर्ट्रेट इफेक्ट ये दे रहा है। बिल्कुल स्टूडियो क्वालिटी का हमें कंटेंट देखने को मिल रहा है। आगे की बात करते हैं, ये है फ्रंट कैमरा की अल्ट्रा स्टेडी वीडियो। इसमें भी हमने कैमरा बिल्कुल फास्ट चला के दिखाया, फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक स्टेबल वीडियो है ये, देख सकते हैं काफ़ी एक्यूरेट देखने को हमें वीडियो मिलती है। वीडियो क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स इस मॉडल में। ये हमारा मैक्रो लेंस हमने दिखाया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर से लिया गया शॉट है जिसमें आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेट ये शॉट लिया गया है, कितना अच्छा फोकस है इसका 2 सेंटीमीटर से। फ्रेंड्स इतने ही शॉट हमने इससे लिए हैं, बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आगे आने वाले वीडियोस में V19 के बारे में हम कोई गेमिंग टेस्ट और चार्जिंग स्पीड टेस्ट, ट्रेनिंग टेस्ट और भी वीडियोस देंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे काम को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू।